दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरविंदर होम्स पर। दोस्तों आपके सामने एक बहुत शानदार लोकेशन जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास है, 3 BHK अपार्टमेंट है हमारे आज के, जो कि 145 गज के अंदर बने हुए हैं। आपके सामने जो गार्डन आप देख रहे हो, पूरा 1.25 एकड़ के अंदर गार्डन रहेगा और 5.5 एकड़ की हमारी सोसाइटी रहेगी। पार्किंग एरिया काफ़ी अच्छा है और G+3 हमारे अपार्टमेंट रहेंगे। स्पेस काफ़ी अच्छी रहेगी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, लोकेशन अच्छी है। अगर आप IT पार्क मोहाली में हैं या आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ के आसपास आना जाना चाहते हैं तो ये लोकेशन बिल्कुल आपको सूट करती है। फैमिलीज ऑलरेडी मूव इन कर चुकी हैं और काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं। आप आते हैं तो आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता। तो बाकी बातें हम अपार्टमेंट के पास पहुँच कर करते हैं। ठीक, इस तरफ हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि काफ़ी अच्छा है, विड्थ अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, ऊपर रोशनदान भी मिल जाता है। तो रोशनदान के साथ इसकी जो हाइट है वो अराउंड 8.5-9 के आसपास आ जाती है। वैसे हमारा जो डोर रहेगा 3.5 फीट से ज़्यादा विड्थ रहेगी और हाइट इसके 7.25 रहेगी। फ्रेश डोर हैवी है, एक अच्छा हैंडल है। तो बढ़ते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या माहौल है। और जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारे पास आते हैं एक शानदार सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। ये काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पर पूरा 28 फीट की लेंथ रहेगी आपकी और 14 फीट की विड्थ रहेगी। 28 फीट की लेंथ होने का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना एरिया है वो आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 7 सीटर आपका ऑलरेडी लगाया हुआ है और उसके बाद ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो कोई चीज़ आप आपस में फंसती नहीं है। तो रखने के बाद आप जैसे मर्जी उसको यूज़ करें, ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग पर अच्छा डिज़ाइन हमें मिल जाता है पूरा लैंप्स के साथ। और ठीक, इस तरफ हमारे पास वुडन पैनल आ जाएगा। और एक चीज़ बता दो, जो ऊपर ये आपको वुडन दिख रहा है ये आपको नहीं मिलेगा, ये प्लेन होगा, वाइट कलर का होगा, ये वुडन पैनलिंग नहीं आपको ऊपर मिलेगी। वैसे आपको जो सीलिंग होगी वो पूरे डिज़ाइनर मिल जाएगी, तो एक अच्छा डिज़ाइन हमें यहाँ पर पूरे घर के अंदर मिल जाता है। और ठीक, इस तरफ जो है आपका 6 सीटर आपने लगाएगा है और लगाने के बाद भी आपके पास जो स्पेस है वो पूरी है, वो कोई कमी नहीं आपको नज़र आती, किसी भी एंगल से आप आइए जाइए। और ठीक, इस तरफ जो है हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की आ जाती है और ठीक खिड़की के साथ एक अच्छी सी बालकोनी। और बालकोनी का साइज़ ऐसा है कि आप इजीली अगर आप मज्जड़ आकर बैठना चाहते हैं ना चारपाई, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी बालकोनी है और रनिंग बालकोनी है। आपका सेकेंड बेडरूम जो है वो भी यहाँ से कनेक्टेड है, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। अगर आप इसे वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, स्पेस की यहाँ कोई कमी नहीं होगी। और ठीक, इस तरफ जो है हमारा किचन आ जाएगा और किचन की जो स्पेस रहेगी वो 8x8 की रहेगी, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है, डिसेंट साइज कह सकता हूँ। यू शेप में रहेगी, टॉप आपका सारा ग्रेनाइट का रहेगा, नीचे ग्रे कलर में और ऊपर वाइट में। एक अच्छी टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है लगी हुई। और ठीक, इस तरफ आपके पास जो है 2 सिंक मिल जाएंगे। और ठीक, यहाँ पर आपकी स्टेयर्स सारी के सारी डबल लेमिनेशन होंगी और प्रॉपर चीज़ आपको मिलेगी। आप देखिए, आपने यूटेंसिल धोई है और आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। ऊपर आपको पूरी गीजर के पॉइंट मिल जाएंगे, आरओ का पॉइंट मिल जाएगा, प्रॉपर आपको जितने भी होंगे रैक्स यहाँ पूरे मिलेंगे सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ। और हैवी मटेरियल यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि कोई हल्की चीज़ है, बड़े बड़े आपके रैक्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चीज़ जो है वो आपकी अच्छी है, प्रॉपर है पूरी, तो कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो किचन जैसे कहते हैं घर का हार्ट होता है, तो पूरी चीज़ है यहाँ पर। इजीली आपका यहाँ पर फ्रिज रखिए और सारी चीज़ें आपको साथ के साथ ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं बिल्कुल सामने आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी अच्छा साइज है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, 11x12 का हमारा बेडरूम रहेगा। हाँ देखिए, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर भी, पूरा फुल साइज बेड है ये, ऐसा नहीं कि 5 फुट का लगा दिया गया, ये 6x6.5 का बेड आपका लगा हुआ है। साइड पे आपको पूरा डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमें वैसे जो एक्चुअल फ्लैट होगा उसमें यहाँ पर ऐसा कोई बैक पे कोई डिज़ाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ सीलिंग पर आपको वाइट कलर की सीलिंग डिज़ाइन मिल जाएगी। तो डेमो है सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम सामान के साथ हमारे पास जो एरिया है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, अगर 11x12 का आपका बेडरूम है तो आप पूरा यूज़ करें, तो इसलिए आपके जो वार्डरोब्स हैं वो बिल्कुल आपको अंदर मिलेंगी और पूरी वुडन फिनिश के साथ है। आप देखिए नीचे की तरफ तक आपके जो है पूरे कॉलम बने हुए हैं,
तो स्टोरेज की आपको कमी नहीं होगी जब आप यहाँ पर रहने आएंगे। डबल लैमिनेशन हर चीज आपको यहाँ मिलेगी। एक साथ में आपके पास खिड़की, एक बड़ी सी खिड़की, सारा दिन आपके पास नेचुरल लाइट आपके पास रहेगी यहाँ पर। और जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो आपके पास एक बड़ा सा ग्राउंड फ्लोर पे हमें ये ऑप्शन मिल जाती है कि हमारे पास एक काफ़ी अच्छा बैकयार्ड हमें यहाँ मिल जाता है। ये 8 फिट की इसकी विड्थ रहेगी और लेंथ रहेगी, इस तरफ 8 फिट रहेगा और यहाँ से तो काफ़ी है। ये आपको मैं बता दूंगा, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोनों रूम्स कनेक्टेड रहेंगे, पीछे आप आराम से अपना बैकयार्ड जो है वॉशिंग एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं वापस अंदर की तरफ। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे दोस्तों को चाहिए होती है वो आपका कॉमन वॉशरूम, वो यहाँ पे आपको मिलता है और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, अच्छा साइज है, अच्छी चीज़ पूरी आपको मिल जाती है यहाँ पर। डिजाइनर टैप्स आपके यहाँ पर मिलेंगे, आपको ऐसा कमोड आपको मिल जाएगा, कॉमन है तो हमारे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। और यहाँ पर स्टोर भी हमें मिल जाता है, जिसे आप स्टोर या पूजा रूम जैसे भी आप यूज करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। तो एरिया जो है हमारा वो पूरा हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड बेडरूम जो आएगा हमारा 11x14 का आएगा, काफी अच्छा साइज है, स्पेस हमारे पास यहाँ पर काफी अच्छी है। पूरे घर के अंदर पूरा बेड लगाइए, बेड लगाने के बाद आपके पास स्पेस ही स्पेस है, आप जैसे यूज करना चाहें वैसे इसे करिए अपने मन मुताबिक। आपके दोनों बेडरूम जो है पीछे अटैच है, आप आराम से पीछे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको जो वार्डरोब है वो अंदर मिलेगी, इनबिल्ट मिलेगी। तो जो 11x14 का साइज है वो सिर्फ आपके लिए है, वहाँ पे आपको कभी कोई कमी नहीं होगी और ना कभी कभी हमने कमी की सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। वॉशरूम आपका यहाँ से भी अटैच रहेगा जी। दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपका थर्ड बेडरूम जो कि 11x13 का रहेगा, ये साइज देखे जाए तो तीनों बेडरूम्स के अंदर काफ़ी अच्छे साइज है, डिसेंट सा एरिया आपको मिल जाता है हर जगह पे। आप आराम से आकर रहे अपनी फैमिली के साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक इस तरफ आपके पास अपना वॉशरूम आ जाएगा जो कि अटैच रहेगा। एक घर के अंदर मैंने एक चीज देखी कि बहुत ज्यादा जो है अलग काम नहीं किया, लेकिन जो किया वो डिसेंट सा काम किया। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पूरी मेंटेन्ड है पूरी सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK जो कि 145 गज के अंदर बना हुआ है, पूरी गेटेड सोसाइटी के अंदर विद गार्डन। एक अच्छी सोसाइटी है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप इस घर को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आपका कोई सुझाव हो हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं। आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।